नमस्ते दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे गारमेंट इंडस्ट्री में। दोस्तों, हमने अभी रिसेंटली देखा है कि एक ऐसा रेवोल्यूशन चल रहा है जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंटर हो चुकी है और इसने पूरे विश्व में एक बिजनेस की नई परंपरा बना दी है और इसके कारण जो है बहुत चेंजेस भी आए हैं। तो हमने ज्यादातर देखा है कि जो डिफरेंट फैशन इंडस्ट्री है उनके बीच में कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि जो प्रोडक्ट लाइफ जो साइकिल था वो बहुत शॉर्ट हो गया, हायर प्रोडक्ट क्वांटिटी हो गई, डिलीवरी टाइम जो है वो कम हो गया और इस कंपटीटिव मार्केट में सक्सेसफुली ऑपरेट करने के लिए हमें जो है कुछ टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना पड़ रहा है और इसी का कारण है जो गारमेंट इंडस्ट्री है उन्होंने अपने आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में कुछ तब्दीली लाई। और अगर हम इसके बारे में बात करेंगे कि फाइबर से लेकर फैशन तक जो आईटी डिपार्टमेंट है वो हर ऑपरेशन में अपना रोल दे रहा है और हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब जैसे अगर हम गारमेंट इंडस्ट्री में इसका प्राइमरी फंक्शन की बात करें आईटी में, तो सबसे पहला है प्रोडक्ट डिजाइन। अब प्रोडक्ट डिजाइन में क्या होता है? प्रोडक्ट आइडियाज, प्रोडक्ट सैंपल बनाना, स्कैन इमेजेस करना। प्रोडक्ट डिजाइन जो होता है उसे प्रोसेस पैरामीटर्स हम डिसाइड करते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, रॉ मटेरियल हम प्रोक्योर करते हैं, प्लांट पर्सनल मशीन इक्विपमेंट इसके बारे में जो है आईटी हमारी मदद कर सकता है। जब मैन्युफैक्चर हो जाती है तो प्रोडक्ट मार्केटिंग जो है इसमें मदद करता है। तो सबसे बड़ा आजकल जो हमने देखा है इट इज कॉल्ड कैड, कंप्यूटर एडिट अपेरल डिजाइन। अब इट इज नॉर्मली अगर हम कैड की बात करें, ये एक सिस्टम है अपेरल डिजाइन में और इसका जो फीचर्स जो हैं ये टेक्सटाइल डिजाइन के सिमिलर में होते हैं। और इसके अलावा ये एक डिजाइनर को ग्राफिकली स्टेमुलेट करता है ड्रेप और अपियरेंस ऑफ द गारमेंट ऑन 3D फॉर्म। कि पहले जो है जैसे हमारा जो डिजाइनर था वो ग्राफ पे जो है बनाता है उसके बाद है, मगर यहाँ पे क्या है कि कैड के थ्रू आप 3D भी जो है वो स्टेमुलेट कर देते हैं। और अब अटेम्प्ट्स भी हो रही हैं कि भाई इसके इस कैड को फैब्रिक करेक्टरिस्टिक से भी रिलेट कर दिया जाए जिससे कि आप जो है किस टाइप का कपड़ा उसके लिए रिक्वायरमेंट है वो दिस, अगर ये लिंक आप दे देंगे तो ये डिजाइनर को हेल्प करेगा बेटर विजुअलाइजेशन में कि ये जो गारमेंट है जब ये जो उसने डिजाइन किया है जब ये आदमी के ऊपर जाएगा तो उसकी ड्रेप क्या होगी। दूसरी चीज है कंप्यूटर एडिट पैटर्न जो है ये मेकिंग और ग्रेडिंग में भी जो है ये इसका प्रयोग हो रहा है। कैड सिस्टम जो है ये ज्यादातर पैटर्न्स में के लिए ही पहले यूज होता था और इन्होंने काम को आसान बना दिया, आसान के साथ साथ फास्टर और ज्यादा प्रोडक्टिव कर दिया। ग्रेडिंग में जो गारमेंट बेस पैटर्न पार्ट्स होते हैं ये वेरियस साइजेस में स्पेसिफाइड स्टाइल में जो है बनाए जाते हैं और ग्रेडिंग रूल्स आर बिल्ट इनटू द सॉफ्टवेयर। तो अब कोई जरूरत नहीं है कि इतना टाइम लगे, क्योंकि देखिए दो चीजों से देखिए आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, या तो आप क्वांटिटी को बढ़ा दें या कम समय में उतनी ही प्रोडक्शन दे दे। तो आजकल का जो टाइम जो चल रहा है वो सेविंग इन टाइम के ऊपर है। अभी मैं देख रहा था कोरोना का जो है एक वो बन रहा था कि भाई ये जो वेंटिलेटर्स की जरूरत हो रही है तो पुराने वेंटिलेटर्स की कीमत 7,000 रुपये थी, इंडियंस ने जो है वो इजाद किया उसने उसकी कीमत जो है 1,000 रुपये कर दी अप्रोक्सीमेटली। और हमारे एक और फर्दर ने करा कि एक ही वेंटिलेटर पे आप चार चार मरीजों का जो है इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों जितना आप समय बचत कर लेंगे उतना ही डेफिनेटली इट विल बी एडवांटेजियस। कंप्यूटर एडिड मार्कर जो है मेकिंग मार्कर जो है, जैसे
जैसे हम जानते हैं कि ये ज्यादातर कितना हमें जो है गारमेंट का लेआउट है उसको स्पेसिफाई करता है, और इसके लिए ये जो सबसे बड़ा जो है इसका, जब हम कंप्यूटर एडिट मार्कर यूज करते हैं तो उससे जो है आपकी गारमेंट कॉस्ट जो है कम होती है, क्योंकि आप जो है मैक्सिमम फाइबर जो है फैब्रिक यूटिलाइजेशन जो है करते हैं। अब आईटी के आने से प्लानिंग आपकी बढ़िया हो गई, कटिंग आपकी जो है इम्प्रूवमेंट आ गई, और ये कहा गया है कि कंप्यूटराइज मार्कर प्लानिंग जो है ये प्रोडक्टिविटी के साथ साथ जो ऑपरेशन होता है कटिंग रूम का उसको इम्प्रूव करता है, और मार्कर प्लान प्रोवाइड सिग्निफिकेंटली रिडक्शन इन फैब्रिक कंजम्पशन। अगर हम देखें फैब्रिक कंजम्पशन 9 to 15%, क्योंकि वेस्टेज कम हो गया। ऑटोमेटिक कटिंग में जो है ये कैड सिस्टम जो है ये यूज हो रहा है। अब इससे जब कटिंग बेटर होगी तो आपका जो है मतलब वेस्ट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है, और सबसे बड़ी बात है कि नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स फॉर डिफेक्ट एंड लेसेज। अब अपेरल प्रोडक्ट्स जो हैं ये कैसे इनका डिफेक्ट्स आप छांटते हैं ये